सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनोखी सलाह दी है। कटनी पहुंचे शंकराचार्य ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की अपील की। इस सलाह पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान का विरोध किया, जबकि इसे निजी विचार बताते हुए बीच का रास्ता निकाल रही है। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। दुनिया बढ़ती आबादी से चिंतित है। जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए भारत सालों से हम दो हमारे दो का संदेश देता रहा है, लेकिन कटनी पहुंचे काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने आबादी बढ़ाने की अपील की है। सनातन की रक्षा के लिए हर हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उन्होंने आंकड़े भी दिए और कहा, हिंदू 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, परिस्थितियां विषम हैं, आबादी बढ़ानी होगी। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दो और हमारे दो का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर दो का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें, और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम रखा है, अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करें। हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह देने के साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर भी शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने हुंकार भरी और बोले, धर्मांतरण कराने वाले पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। जो धर्मांतरण कराता है उसको देश द्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। वक्त बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं। इसलिए सनातन था, सनातन आज है, जो कभी मिटा नहीं। रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गयोरी और गजनी की ललकारों से, अत्याचारों से ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चिंता की थोड़ी बात है, हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। शंकराचार्य के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदू संतों का अनुसरण करते हैं, पहले वो 5 बच्चे पैदा करें। हम लोग सनातन धर्म में आस्था करते हैं, मैं भी सनातन धर्म में आस्था करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर शंकराचार्य जी पीठाधीश जी ने इस तरह की बात कही है तो हम लोग तो माताओं का अनुसरण करते हैं। पहले तो मैं उनसे अनुरोध करना होगा, पहले आप 5 बच्चे पैदा करें तो हम भी आपका अनुसरण करने लगे, हम भी पैदा करने की सोचेंगे। तो हमारा उनसे निवेदन है कि मेरे 5 बच्चे पैदा करके देश की जनता को, अपने सनातन धर्मियों को बताएं, तब लोग आपका अनुसरण करेंगे। बोली बातें थोड़ी कर पाएंगे। बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, किस तरह से भुखमरी की स्थिति में लोग परेशान है, और ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या को बढ़ाने का के लिए प्रोत्साहित करना धर्म गुरुओं को शोभा नहीं देता है। धर्म गुरु पुरानी बातें करे, हमारे जो वेद पुराण में जो बातें कही गई है, पर उनमें से जो बातें अभी वर्तमान में लागू हो सकती है उनके हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से बात करना चाहिए। कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन आबादी बढ़ाने की शंकराचार्य की अपील का समर्थन या विरोध करने के बजाय बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। पार्टी का कहना है कि ये उनके निजी विचार हैं। यदि उन्होंने जो कुछ कहा, पहले तो उनके निजी विचार हैं, निजी तौर पर उन्होंने जो भी कुछ कहा है ये किसी पार्टी के विचार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अनुभव तो कहता है। यदि उन्होंने कुछ देखा होगा या इस तरह की बातें उनके सामने आई होगी या इस तरह की स्थितियां देख रहे होंगे कि किस प्रकार लव जिहाद चल रहा है देश में, धर्म परिवर्तन का चल रहा है, किस प्रकार बच्चियों को गुमराह करके उनकी पहचान छुपा के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे विवाह किए जा रहे हैं, बाद में उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही,
किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और कर्नाटक की सरकार ने किस प्रकार धर्मांतरण कानून को रद्द किया है, किस प्रकार आज सनातन धर्म के लोग, बहुसंख्यक लोग कई प्रदेशों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। उस पर उन्होंने चिंता जाहिर करी, लेकिन उनके निजी विचार है और उन्होंने निजी तौर पर व्यक्त किए, किसी हमारी पार्टी के विचार नहीं है। शंकराचार्य की 5 बच्चे पैदा करने की सलाह पर बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी ऐसी अपील की गई है, ऐसी सलाहों का विरोध होता रहा है, लेकिन समर्थन भी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।